शाहरुख खान की डंकी से टकराएगी, प्रभास की सालार, बॉक्स ऑफिस पर मचेगा घमासान, कौन मारेगा बाजी। शाहरुख खान की फिल्म डंकी 22 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। हालांकि इससे भी बड़ी खबर यह है कि सालार भी क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने को तैयार है। सोमवार को यह खबर आई है कि प्रभास की एक्शन पैक्ड फिल्म सालार भी इस साल दिसंबर के अंत में रिलीज होगी। सालार की प्रोडक्शन टीम की तरफ से एग्जीबिटर्स को एक मेल आया था। इस मेल में एग्जीबिटर्स को क्रिसमस के लिए डेट फिक्स करने का निर्देश दिया गया। अब इन दोनों बड़ी फिल्मों के क्लैश पर ट्रेड्स पर क्या असर पड़ेगा, यह जानने के लिए दैनिक भास्कर ने कई एक्सपर्ट्स से बात की। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने कहा कि सालार और डंकी के साथ में रिलीज होने से दोनों फिल्मों को नुकसान होगा। तरण ने कहा कि दोनों प्रोडक्शन हाउस को बैठकर इस पर सोचना चाहिए कि कैसे इस क्लैश को टाला जाए। साथ रमेश बाला ने कहा कि हिस्ट्री फिर रिपीट हो रही है। एक वक्त पर जीरो और KGF का क्लैश हुआ था, जिसमें जीरो का बुरा हाल हुआ था। रमेश को उम्मीद है कि डंकी का हाल जीरो जैसा नहीं होगा। सालार वीज डंकी के क्लैश पर तरण आदर्श ने दैनिक भास्कर को एक्सक्लूसिवली कहा, यह सुनने में तो अच्छा लगता है कि दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं। हालांकि व्यापार की दृष्टि से यह अच्छा नहीं होता, व्यापार को भी पीछे छोड़ दीजिए। ऐसी स्थिति में बहुत निगेटिविटी फैल जाती है, फैंस आपस में लड़ने लग जाते हैं। जहां दो फिल्मों को सेलिब्रेट करना चाहिए, वहां वॉर जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसी खबरें बाहर सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लोगों के माथे पर शिकन आ जाती है। तरण आदर्श ने कहा कि ये लड़ाई आम नहीं है, ये दो महारथियों की लड़ाई है। हर चीज के लिए घमासान होगा, स्क्रीन्स की संख्या लेकर शोज तक हर चीज की खींचातानी देखने को मिलेगी। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों में कौन बाजी मारता है, इस पर बात करना मुश्किल है। हालांकि ओवरसीज में दोनों फिल्मों में कौन बेहतर होगा, इस पर तरण आदर्श ने कहा, शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग हमेशा से विदेशों में तगड़ी रही है, उन्हें चैलेंज करना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि वहां शाहरुख को थोड़ा एज जरूर रहेगा। खैर, इन दोनों में से कौन बाजी मारेगा, कमेंट में हमें बताएं। ऐसी और अपडेट्स के लिए B4 बॉलीवुड को सब्सक्राइब जरूर करें।